नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देश अनुसार जिला समाहरणालय में EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का फीता काट कर DDC मनीष कुमार ने शुभारंभ किया। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता को लेकर इसकी शुरुआत की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया EVM और VVPAT जागरूकता के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड के निर्देश अनुसार गुरुवार को इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पर मॉक पोल कर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से समाहरणालय आने वाले लोगों को EVM VVPAT के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर जागरूक करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने तक जिले में समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय में EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई है। वहीं प्रचार वाहनों के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं को EVM VVPAT के संचालन प्रक्रिया, मॉक पोल करने आदि के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त सहित अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मैनेजर IT, SMPO सहित अन्य उपस्थित थे। पदाधिकारी उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार आज हम लोगों ने निर्वाचन शाखा के अंतर्गत यहाँ पे जो EDC है, EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ डिफरेंट ERO, ड्यूटी इलेक्शन ऑफिसर, मैडम PDITD साहब सबकी मौजूदगी में किया गया है। हम लोगों ने वोट कास्ट करके इसमें जो डमी बैलेट किया गया है उसमें वोट कास्ट किया है। और लोगों से भी यही आग्रह है कि ये आपके ही एक तरह से जानकारी के लिए लगा है। आप कभी भी आकर, ये हमेशा अभी जब तक NCC नहीं लग जाता है सुचारू रहेगा, इसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करके ये चेक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो कर्मी हैं वो सदैव रहेंगे, तो आप उनसे पूछ कर जानकारी लेकर पहली बार भी अगर आप वोट दे रहे हैं या पहले भी आपने दिया है, तो इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल होता है जिसको आप मेन पोलिंग डे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वाहन भी गाड़ी में निकाला जाए, इसके साथ साथ MD भी जो है, जो गाड़ी होती है डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, वो भी यहाँ से रिलीज़ की जाएगी। और सभी विधानसभा क्षेत्रों से इस बार 2 गाड़ियाँ रिलीज़ की जा रही हैं, जो कि पंचायत दर पंचायत विजिट करेंगी और लोगों के बीच EVM को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। सिमिलर काम लोकसभा में भी किया गया था और विधानसभा चुनाव में भी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक लागू नहीं होता है तब तक ये गाड़ियाँ सुचारू ढंग से पूरे जिले को कवर करेंगी।